हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने गैसीय स्टेट के यूपीपीजीटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी सीरीज़ में आज बाकी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, ये 2003 के पेपर में ही आया हुआ यूपीपीजीटी के। एट विच टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ CH4 इन मीथेन विल बी सेम एज दैट ऑफ O2 एट 300 केल्विन। आपको एवरेज स्पीड दी हुई है। एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, वी ऑफ एवरेज √8RT/πm, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको दो गैसेस गिवन है, एक है मीथेन, तो मोलिकुलर मास मीथेन का भी निकाल लेते हैं। तो मीथेन का आ जाएगा हमारे पास 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन्स, 12 और 4 16। और O2 की बात करें, ऑक्सीजन की, तो 16 एक का और 16 दूसरे का, 32। ये हमने इनके मोलिकुलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें दिया हुआ है मीथेन के लिए, तो वी ऑफ मीथेन के लिए निकाल लेते हैं √8RT/πm। एम की वैल्यू आप रख देंगे 16, टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। और O2 के लिए निकालते हैं सेम, √8RT/π। एम की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, 32। अब आ जाते हैं टेम्परेचर पे। 300 केल्विन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस में नहीं है, जो इसे आप +273 करेंगे, ये ऑलरेडी केल्विन में गिवन है, तो आप सीधा ही 300 पुट कर देंगे। ऑफ O2 ऐड दिया हुआ है, तो O2 इस टेम्परेचर पे है, तो ये हमने निकाल दिया। अब किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर होंगे, तो दोनों को इक्वेट कर दो √8RT/πm, यानी कि 16/8 RT, यानी कि 300/π/32। 8 R और पाई, ये तीनों वैल्यूज तो कैंसिल हो रही हैं, दोनों साइड पर है, तो इधर बचेगा T/16, स्क्वायर रूट ले लिया 300/32, कैंसल आउट होगा 16 to 32, और ये आ जाएगा हमारा 150 केल्विन। डन, तो ये मेरा आंसर आ गया, हम इसे मार्क कर देंगे 150 केल्विन। सेम था, पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था, बस उसमें RMS दी हुई थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसमें एवरेज पूछी हुई है, तो आपसे मोस्ट प्रोबेबल, रूट मीन स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू ओनली, तीन आपको सॉरी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोलर इंटरनल एनर्जी पूछा गया है आइडियल गैस की, तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, और टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, तो आप टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन को मार्क करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट A इज, आपको A के यूनिट लेने हैं। ठीक है, अब वैसे तो आपको ये यूनिट याद होने चाहिए कि क्या आते हैं, बट अगर याद नहीं है तो A जहाँ से आता है हमने वो वैल्यू लेनी है। A होता है हमारा प्रेशर, P + A/V², तो ये जो P होता है ये हमारा इक्वल होता है A n² / V² के। आप आइडल गैस में लिखते हैं ना P + A/V², और n आता है तो n² V², तो यही चीज़ हमारी वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है, हम उसकी बात करें, ये वो है। ठीक है, मुझे A निकालना है, तो A के यूनिट निकालना है। A को इधर रखो, बाकी साइड हम उधर लेके जाओ। ये आ गया P, यानी कि प्रेशर, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर है। V क्या होती है हमारी, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में आती है, लीटर में, और उसका स्क्वायर है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो N क्या है, मोल्स, मोल्स में ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास रहेगा 8 L²/mol⁻²। आप अपना आंसर इनमें से मैच कर लेंगे, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन D जो है हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डन, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, 2004 के एग्जाम में और 9 के एग्जाम में 2 बार यूपीपीजीटी में रिपीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है, 2004 और 11 के पेपर में। आपको तीनों वेलोसिटी दी हुई है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव अ रेशो। आपको इनकी रेशो बतानी है। पहले तो तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में लिखना है। पहली है मोस्ट प्रोबेबल, सेकेंड है एवरेज, एंड थर्ड है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और RMS रूट मीन स्क्वायर को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो रिप्रेजेंटेशन नहीं याद रखो, बट कई बार हमें अल्फा, V और U से भी आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2RT/m, इसका होता है 8RT/πm, इसका होता है 3 RT/m। तीनों की वैल्यू ले लें, तीनों हमें रेशियो में चाहिए। तीनों में जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करो। आप देखो RT, RT और m ये तीनों में है कॉमन, कैंसिल आउट हो जाएगा। RT/m कैंसिल आउट कर दो तो रूट 2 बचा, इधर बचा √8/π और इधर बचा √3। डन, मेरे पास ये तीन आ गए। अब √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। √3 आप याद रखते हैं 1.732, तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इन्हें हम याद रखते ही रखते हैं। अब बचा 8/π की वैल्यू, तो जब इसका रूट सॉल्व करते हैं तो ये भी आपने याद रखनी है 1.595 की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जब आप एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आपको ये वैल्यूज आराम से याद हो जाएंगी। अब आप इन्हें कैंसिल आउट करना शुरू करो। अब सबसे छोटी टर्म को आप 1 ले लेंगे और बाकियों को उन्हीं रेशो में लेते हैं। तो ये मेरी सबसे छोटी टर्म है तो ये तो 1 होगी, ये इससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आएगी, सबसे छोटी यहाँ पर आएगी। अब एक्चुअल में तो इनका जो वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो होती है 1.128 और यहाँ जो वैल्यू आती है वो होती है 1.22। ये इनकी वैल्यूज़ होती हैं। बट अगर नहीं याद है तो आप इसे सबसे छोटे वाले से कट आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अपने ऑप्शंस को मैच करो। आप देखोगे आपके चारों जो ऑप्शंस हैं इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन है जहाँ पर छोटी वैल्यू को 1 लिया गया। इन्होंने लास्ट वैल्यू को 1 लिया, इन्होंने बीच की वैल्यू को 1 लिया, इन्होंने भी लास्ट वैल्यू को 1 लिया। तो हमारी तो छोटी वैल्यू 1 आएगी सबसे पहली, तो यहीं से आपका हो जाएगा ये वैल्यू। और अगर आपको याद नहीं है तब भी आप इसे कर सकते हो, मैच करके देखेंगे। 1 ये 1.128 है, राउंड ऑफ कर देंगे 1.13 आ जाएगा और ये 1.22, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये रेशो आपने याद रखनी है, जैसे तीनों के फॉर्मूले याद रखते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं, तीनों को मतलब रेशो में करके क्या वैल्यू आई और उसके बाद जब डिवाइड किया एक दूसरे से तो क्या वैल्यू आई। तो ये आ गई हमारे तीनों की रेशो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है द वंडरवॉल कांस्टेंट B फॉर अ गैस इज दिस। आपको B की वैल्यू गिवन है। अज्यूमिंग द मॉलिक्यूल इज टू बी सफेरिकल एंड एवोगेड्रो नंबर इज दिस। अज्यूम किया गया है कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? सफेरिकल, और आपको उसका एवोगेड्रो नंबर जो आप याद रखते हैं 6.022 × 10⁻²3 उसकी वैल्यू गिवन है। आपको वॉल्यूम निकालनी है ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी, आपको V की वैल्यू निकालनी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो B होता है वो हमारा होता है 4NB इसके बराबर। ठीक है, ये n हमारे नंबर ऑफ मोल्स नहीं, जो एवोगेड्रो नंबर आएगा ये उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो आप इसे n नोट भी लिख सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? B गिवन है, एवोगेड्रो नंबर गिवन है, आपको क्या निकालना है? B निकालना है। तो V = B/4n0। वैल्यूज आपको गिवन है, जस्ट पुट कर दो। 40.84 × 6.023 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने 6 × 10⁻²3 दिया है, तो मैं वही वैल्यू ले रही हूँ। ये 23 तो ऊपर चला जाएगा। बाकी जो वैल्यू मुझे गिवन है मैं उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। 40.8 8 / 4 एंड / 6, तो वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.7। डन, तो ये मेरे पास आ गया 1.7। तो मेरा आंसर आ गया 1.7 × 10⁻²-23। अगर कुछ वैल्यू मैच नहीं करेगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर लेंगे। अब चार ऑप्शन में से ऑप्शन B हमारा इससे मैच हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डन, तो आ गया हमारा इसका आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द वंडरवॉल इक्वेशन एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ। जो वंडरवॉल इक्वेशन है यानी कि P + A/V², V - B = RT, ये किसका बिहेवियर शो करती है? ये हमेशा रियल गैसेस के बिहेवियर को शो करती है। तो रियल गैस इक्वेशन है, जैसे आप एक आइडियल गैस इक्वेशन करते हैं ना, PV = RT, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ये हमारी क्या है? रियल गैस इक्वेशन। तो ये आ गया हमारा रियल गैस आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अ गैस कांट बी लिक्विफाइड इफ द गैस इफ फॉर अ गैस द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन। गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते इफ द फॉर अ गैस द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन। टेम्परेचर किससे ग्रेटर हो जाए अगर, तो होता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, चार ऑप्शन में से देखो, टेम्परेचर को किसी और के साथ तो इक्वेट नहीं कर सकते। टेम्परेचर को टेम्परेचर से इक्वेट करोगे, जैसे बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, कई तरह के हमारे पास टेम्परेचर होते हैं। तो अगर कोई भी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर को एक्सीड कर लेता है तो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो आंसर आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर। इसे हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में टेम्परेचर है, तो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी टेम्परेचर के, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन जो बी है वो हमारा इससे मैच कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक इन्वर्सली दिया हुआ है, एक इक्वल टू स्क्वायर दिया हुआ है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट दिया हुआ है। नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो आप इसे मैच कर देंगे। आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हमने कल भी किया था, जस्ट वहाँ पे जो गैसेस थी उन्हें हमें ऑर्डर में अरेंज करना था, किसके ज़्यादा किसकी कम। यहाँ पे हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर आंसर देना है कि किसकी सबसे ज़्यादा। तो हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। चारों गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। CH4 की बात करते हैं, मीथेन 12 इसका और 4 इसका, हाइड्रोजन का 16। अमोनिया की बात करो 14 और 3 17। N2 एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28। CO2 की बात करते हैं, एक कार्बन का 12 और ऑक्सीजन्स के 32 हो गया, 16 + 16 32। बहुत बार निकाल चुके हम इसे, 44, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे कम, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमारा किसका आ रहा है, मीथेन का 16। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, इन्वर्स रिलेशन है ना, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या आ जाएगा सबसे ज़्यादा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीथेन। और लोएस्ट पूछा जाता तो किसका आता है, CO2 का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या था, सबसे ज़्यादा था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुके हैं 2013 और 16 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वंडरवॉल इक्वेशंस। वंडरवॉल से रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसका हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है। जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है इसकी सीधे आपको रिलेशन पूछा हुआ है। अब चार ऑप्शन से अगर आपको याद नहीं है तो आपने क्या करना है, आपको आइडियल वंडरवॉल इक्वेशन तो याद है, P + A/V², V - B = RT। ये इक्वेशन इसी से निकाली जाती है, इन्हीं में PC, VC, TC की वैल्यू पुट करके, और उन्हें जो रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम है उसमें निकालते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर प्लस इंटैक्ट रहता है, यहाँ माइनस इंटैक्ट रहता है। तो चारों में से जो ऑप्शन इससे मैच करेगा, जहाँ प्लस और माइनस इंटैक्ट रहेगा, आप वो वैल्यूज चेक कर लो। पी का तो पाई हो जाएगा सब में, और V का हो जाएगा फाई, और T का हो जाएगा थीटा। पाई और थीटा में चेंज हो जाते हैं, बट ऑप्शंस अगर देखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, बट हमें तो माइनस चाहिए। यहाँ माइनस इन्वर्स हो गया, यहाँ भी उल्टा हो गया। हमारा सिर्फ एक ऑप्शन इससे मैच कर रहा है जिसमें प्लस और माइनस इंटैक्ट है। यही हमारी रिड्यूस स्टेट इक्वेशन होती है, π + 3/π² × 3, π - 1 = 8θ। ये हमारी रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। तो यह आ जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द P ऑफ ए रियल गैस इज लेस इन कंपैरिजन टू आइडल गैस बिकॉज ऑफ। किस रीज़न से जो प्रेशर है वो उसका कम हो जाता है। ये जब हम आइडल गैस से वंडरवॉल में जाते हैं तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, इसी की वजह से ये चेंज आता है। तो आंसर आ जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ H2 गैस इज 291 पाइक्रोमीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस इज दिस विल बी। आपको चार ऑप्शन गिवन है, आपको मॉलिकुलर डायमीटर गिवन है H2 का पाइक्नोमीटर में, आपको आंसर करना है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का इसमें। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब 4/3 पाई r³ आपको डायमीटर गिवन है, डायामीटर है आपका पास 291 पाइक्नोमीटर। पाइक्नोमीटर यानी कि 10⁻⁻¹² मीटर। सबसे पहले तो देखो आपको आंसर देना है डेसीमीटर में, तो इसी को अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर यानी कि 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर यानी 10 डेसीमीटर इंटू 10 हम कर देंगे तो आ जाएगा 291 इंटू 10⁻¹1 डेसीमीटर। मैंने इसे डेसीमीटर में यहीं पे कन्वर्ट कर लिया। अगर नहीं भी करना तो लास्ट में जाके आंसर में भी कर सकते हो, बट हमारा वो चीज़ ना रहे क्योंकि जल्दी जल्दी में वो छूट जाता है कई बार, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं ये डायमीटर है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो रेडियस इसकी क्या होती है हाफ होती है, तो रेडियस आ जाएगी 291/2 इंटू 10⁻¹। आप चाहो तो यहीं पे इसे सॉल्व कर लो डिवाइड करके, नहीं तो आप जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अपना डाटा यहाँ पे पुट कर रही हूँ। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पुट करेंगे 291/2 का क्यूब इंटू 10⁻¹1 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली। अब मैं जस्ट इसे सोल्व करूँगी। 4 इंटू 22 इंटू 291 इसे मैं डिवाइड करूँगी बाय 3 बाय 7 और बाय 2 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 6.023। तो मेरे पास ये सॉल्व करके आ गया 777437026 इंटू 10⁻⁻, ये -33 है, ये 10 है, तो ये जगह 10⁻−10 बचेगा। अब मैं इस 10⁻−10 को यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 0 2 0 और आ जाएंगे मेरे पास, तो ये आ गया 0.00777। मैंने इधर इसको एडजस्ट कर लिया। ये आ गई मेरी एक्चुअल वॉल्यूम। मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अब मैं निकालती हूँ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वॉल्यूम आई है इसका 4 टाइम्स कर देते हैं। हम कहते हैं ना एक साइड से इतनी वॉल्यूम गई, चारों साइड से इतनी इतनी वॉल्यूम जाएगी, तो हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी दिस वैल्यू। तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 इंटू 0.00777 मेरे पास आ रहा है 0.03108 0.03108। अब अपना ऑप्शन मैच करते हैं। मेरा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है 0.0311, राउंड ऑफ कर दूंगी तो 311 आ जाएगा, इसका 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन जिससे भी मैच करेगा आपने जस्ट उसको मार्क कर देना, जिसके भी नियर अबाउट होगा राउंड ऑफ करके। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वंडरबॉल इक्वेशन ऑफ ए स्टेट द नॉन आइडल गैस द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। नेट फोर्स किससे गिवन होती है। हम वंडरबॉल इक्वेशन कई बार करते हैं, जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स वाली, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, वो होती है P + A/v²। और अगर मैं n नंबर ऑफ मॉल्स भी इंक्लूड कर दूँ तो हो जाते हैं n² अपॉन b²। तो मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ नेट फोर्स पूछा गया था, तो टोटल फोर्स हमारा इतना आ गया, जो प्रेशर पहले हम लेते हैं और उसकी करेक्टेड जो प्रेशर आता है दोनों को प्लस करके, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अंडरवॉल कॉन्स्टेंट ए फॉर अ गैसेस। चार गैसेस के लिए आपको चार वैल्यूज की बनी हुई है ए की। द गैस किस विच कैन बी मोस्ट इजिली लिक्विफाई, आपको बताना है कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इजिली लिक्विफाई हो जाएगी। चारों गैसेस हैं, सबसे पहले इन्हें बड़े ऑर्डर में लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 1.36 है, 1.39 है, नेक्स्ट इज 2.253 और लास्ट इज 400। डन। अब इनका जो भी नेम है रिस्पेक्टिव है, मतलब जो जिस ऑर्डर में गिवन है उन्हीं में इनके नेम आ जाएंगे। तो 1.39 है हमारी N2, 1.36 है O2, 4 वाली है मेरी अमोनिया और जो CH4 है उसकी वैल्यू है 2.3। जितनी ज़्यादा A की वैल्यू होगी उतनी ही गैस इजीली क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। सबसे ज़्यादा A की वैल्यू यहाँ पे किसकी है, अमोनिया की है, इसीलिए अमोनिया क्या होगी, इजीली लिक्विफाई होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, जितना ज़्यादा ए उतनी ज़्यादा उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, उतनी ही उसकी वैल्यू, वो गैस क्या हो जाएगी, जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट गैस। यानी आपसे जेड पूछा गया, जेड इज जो होता है हमारा PV/nRT होता है। आइडियल गैस के लिए वो वैल्यू क्या होती है, 1 फॉर आइडियल गैस। सिंपल सा क्वेश्चन था, लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था 2021 में। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछी गई है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अभी हमने की थी 2RT/m, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है एवरेज, ठीक है, 8RT यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये तो कोई वेलोसिटी होती नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। ये UPGIC का जो प्री का एग्जाम था ये उसमें आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वी ऑफ एवरेज कई बार कर चुके हैं, √8RT/πm। ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पाई नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, ठीक है, यहाँ 8 और पाई नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो रहा है, जिससे मैच करें, यानी कि करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये भी GIC प्री का क्वेश्चन है। आपको चार ऑप्शंस गिवन है, चार आपको टेम्परेचर गिवन है, चार तरह के, और चारों की वैल्यू गिवन है। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। एक है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हमारा TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल A, B, C, D इसी फॉर्म में मैंने लिख रही हूँ ताकि हम आंसर मैच कर सकें। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 8A/27 RB। PC, VC, TC की वैल्यू, ये वही TC की वैल्यू है। सेकंड है हमारा बॉयल्स टेम्परेचर TB, जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है वो होता है A/RB। इसका हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा प्ले लिस्ट का। A/RB। नेक्स्ट इज इन्वर्जन टेम्परेचर। ये इन्वर्जन टेम्परेचर हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ जाउल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे TI आता है, इन्वर्जन टेम्परेचर। ये वैल्यू होती है 2A/RB। कि सिस्टम में कूलिंग होएगी या हीटिंग होएगी वो इस इन्वर्जन टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। एंड लास्ट इज रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर जिसे हम थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रिड्यूस टेम्परेचर। तो ये रेशो होता है टेम्परेचर टू द क्रिटिकल टेम्परेचर का रेशो। ठीक है, ये हमारे पास चार आ गए, आप चारों का नंबर दे दो। 8AB हमारा फोर्थ है, ये वैल्यू हमारी 1 है, TC ये 3 है और ये 2 है। तो मेरा आंसर आ रहा है 4, 1, 2, 3। अब आपका ऑप्शन इनसे जिससे भी मैच करे आप वो टिक करेंगे। 4, 1, 2, 3 ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको सारी वैल्यूज याद रखनी है। आते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये UPPGT का जो लास्ट ईयर का एग्जाम था उसमें आया था। द टेम्परेचर अबव विच अ रियल गैस कांट बी लिक्विफाई, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी की एक और फॉर्म हमने पीछे भी की थी कि किस टेम्परेचर से एक्सीड कर दिया जाए कि गैस लिक्विफाई नहीं होती। वहाँ ऑप्शन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी थे। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो ये थे हमारे UPPGT के जो क्वेश्चन, गैसियस स्टेट के जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब कल की क्लास में हम गैसीय स्टेट के ही जो एचटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड स्टेट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। लिक्विड स्टेट भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप चाहे तो वीडियो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।